हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं रावा इडली। मेन इंग्रेडिएंट्स में है एक कप रावा सूजी, एक कप दही, नमक, इनो, फ्रूट सॉल्ट, काजू, सरसों के दाने, करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्ची। सबसे पहले एक पैन में ऑयल ले लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों के दाने, उड़द दाल, काजू, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, हरी मिर्ची हम इसमें ऐड कर लेंगे, करी पत्ता। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सूजी, एक मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेते हैं। सूजी अब ड्राई रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नमक स्वाद अनुसार, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने खट्टी दही इस्तेमाल करी है। थोड़ा पानी भी मैं इसमें ऐड करूंगी, इसे मिला लेते हैं। अगर इसमें पानी कम होगा तो आपकी जो इडली है वो थोड़ी हार्ड बनेगी। अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देंगे। चेक कर लेते हैं इसे। अभी भी ये थोड़ी सी थिक लग रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इनो, फ्रूट सॉल्ट। अब इसे मिला लेते हैं। देखिए कैसे एयर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसको इसे एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है। इडली बर्तन को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। मैंने इडली बर्तन को ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हम इसे इडली बर्तन में डाल लेते हैं। अब हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं। 10 मिनट्स के लिए इसे छोड़ देते हैं, फिर इसे चेक कर लेंगे हम।
चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली, भुनी हुई चना दाल, नमक और लाल मिर्ची। थोड़ा सा पानी मिला लेंगे इन सब में और चला लेते हैं इसे। हमारी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी। चटनी बनकर एकदम रेडी है फ्रेंड्स। टेम्परिंग के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा तेल, सरसों के दाने, करी पत्ता, लाल मिर्ची, उड़द दाल, इसे मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इडली अच्छे से रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। एकदम सॉफ्ट इडली बनकर रेडी है फ्रेंड्स। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट इडली एकदम बनकर रेडी है। मैं तो जा रही हूँ अब इसे टेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।